नमस्कार मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है पिछले 24 घंटों में राज्य में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है राजसमंद जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा बाड़मेर जालौर व अजमेर जिले में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा तथा जोधपुर जैसलमेर व पाली जिले में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश नसीराबाद अजमेर में एक मिलीमीटर mm व पश्चिमी राजस्थान के मोहनगढ़ जैसलमेर में 260 मिलीमीटर mm तथा पाली में दो मिलीमीटर mm बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.1 दशमलव एक डिग्री श्रीगंगानगर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान सत्ताईस दशमलव आठ डिग्री श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया राज्य के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर आज कमज़ोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है आज भी जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में रुक रुक कर बारिश के कुछ दौर दर्ज होने की संभावना है आज जैसलमेर जोधपुर नागौर बाड़मेर व बीकानेर जिले के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी व एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है आज भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है सात अगस्त से जोधपुर संभाग में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति की ओर शिफ़्ट होने से राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आगामी दिनों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है इस दौरान कोटा भरतपुर जयपुर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की प्रबल संभावना है मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें पेड़ों के नीचे आश्रय न लें पक तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें राजस्थान मौसम के अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़े रहे अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें धन्यवाद